कभी-कभी हम लोगों को कंप्यूटर से कोई फाइल व्हाट्सएप में किसी को सेंड करना पड़ता है। तो पहले हम लोगों को वो फाइल कंप्यूटर से हमारे फ़ोन में लेना पड़ता है, उसके बाद उसको व्हाट्सएप में सेंड करना पड़ता है। तो अगर व्हाट्सएप हम लोगों का कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो तो वो काम हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए पहले आपका ब्राउज़र में जाके उसको ओपन कीजिए। यहाँ पर आके सर्च कीजिए व्हाट्सएप फॉर पीसी, देन एंटर। यहाँ पर डाउनलोड व्हाट्सएप लिख के आएगा, पहले वेबसाइट जो आएगा उसको क्लिक कर दीजिए। ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज़ ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करते ही डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैं फाइल ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, ज़्यादा साइज नहीं है, 124 MB का है। तो इस पे डबल क्लिक करते ही ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि कीप मी साइंड इन। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बार बार डिस्कनेक्ट ना हो, अभी आप कनेक्ट कर रहे हैं तो ये कनेक्ट रहे, अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर शट डाउन करने के साथ साथ ये डिस्कनेक्ट हो जाए, तो आप इसको अनटिक कर दीजिए। अगर आप अनटिक कर देते हैं तो बार बार आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये आपका फ़ोन में व्हाट्सएप ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर आके मैं दिखा देता हूँ कि मेरा ये वाला अकाउंट यहाँ पर लॉगिन है, तो ये वाला अकाउंट ही मेरा कंप्यूटर में लॉगिन होगा। तो यहाँ पर टच करते ही आपको व्हाट्सएप वेब दिखेगा। ये व्हाट्सएप वेब में क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैनर आ रहा है। आपको ये क्यूआर जो स्क्रीन पे आ रहा था उसको कॉपी कर लेना है, यहाँ से स्कैन कर लेना है, तो आपका ये व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको डिसकनेक्ट करने के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप वेब में चले जाइए। यहाँ पर लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर टच करते हैं आपको लॉग आउट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा ये वाला फाइल जो फ़ोन में लॉगिन था वो यहाँ पर लॉगिन हो गया है। यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं, यहाँ पर आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप न्यू चैट स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन का जो कॉन्टैक्ट लिस्ट था वो यहाँ पर आपको शो होगा। उसके बाद यहाँ पर आप न्यू ग्रुप स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सेटिंग्स में भी एडिट कर सकते हैं और लॉग आउट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई फाइल सेंड करना है तो बहुत ईजी है, यहाँ पर मेरा एक फ़ोटो है, इसको अगर यहाँ पर मैं सेंड करना चाहूँ तो वो चैट आपको ओपन करना है जिसको आपको सेंड करना है। उसके बाद ये फाइल को ड्रैग करके ऐसे लाके ड्रॉप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ कैप्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, यहाँ पर और भी फाइल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर जस्ट क्लिक करने से ये फाइल सेंड हो जाएगा। ऐसा फाइल सेंड कर रहा हूँ तो ये सोचेगा कि ये पागल हो गया, डिलीट कर देता हूँ।